भाई थोड़ा अंदर चले जाओ, को मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर बॉम्बे शहर पहुंचा था बीटी स्टेशन पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए फिल्मों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। और आज इस बात को 37 साल हो गए हैं, आज 37 साल बाद मैं सिंबॉलिक तरीके से वापस बीटी से बांद्रा लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना चाहता था। उन सब लोगों की जद्दोजहद जो लोकल ट्रेन में यहाँ पर मुंबई में ट्रैवल करते हैं, और मुझे लगता है कि मुंबई शहर ऐसा है कि जिसने भी अपनी किस्मत किसी भी फील्ड में आजमाने की कोशिश की है उसको इस शहर ने मौका ज़रूर दिया है, और वो लोकल ट्रेन से ज़रूर ट्रैवल किया है। तो एक सिंबॉलिक तरीका था, और ऑल्सो रेलवेज़ के लिए, जो रेलवे जिनके किसी इवेंट पे मैं आज आया था उनके लिए भी, जो वो रेलवे डिपार्टमेंट वाले हमारे लिए काम करते हैं, सुरक्षा के बारे में बात करना, कैसे फाटकों को क्रॉस करके नहीं निकलना चाहिए, कैसे जल्दबाजी में सड़क क्रॉस, ये रेलवे पटरियाँ क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इन सबको हाईलाइट करने के लिए कभी कभी जब आप फिल्मों में काम करते हैं आपका चेहरा जो है वो जाना पहचाना होता है, तो उससे थोड़ा और फोकस मिलता है। स्टेशन तो वहीं रहे हैं, रे रोड हैं वगैरह जितने भी हैं, लोग भी वहीं हैं, लोगों के चेहरे पर जल्दी भी वहीं है। आई एम श्योर मैं ये गलत बात होगी अगर मैं कहूँगा कि जी मैं रोज़ ट्रैवल करता हूँ तो मुझे पता है कि क्या चेंजेस आए हैं, मगर पहली बात जो नोट की मैंने, ट्रेवल साफ़ सुथरी लग रही है, टाइम पे चली है, और पहले से टाइम पर थी, ऐसा नहीं था कि मैं आ रहा था तो चलो आज टाइम पे गुजारते हैं। एंड आई एम श्योर रेल जो है यातायात का बहुत बड़ा साधन है लोकल ट्रेन मुंबई में, और जब मैं स्ट्रगलर था तो मैं बांद्रा से लेकर बीटी तक कभी कभी जब मेरे पास कुछ नहीं करने को होता था तो मैं रेल में बैठ के सिर्फ लोगों को देखता रहता था। बहुत साल बाद वो लोग जो हैं मेरे किरदारों का स्रोत बने प्रोत्साहन का, या मैं उनको देख के मैंने बहुत सारे कैरेक्टर ढूंढे हैं। नहीं जी नहीं, मैंने हर दोपहर को ही ट्रैवल करता था मैं, तो बेस्ट तरीका ये होता था कि दोपहर को ट्रैवल करके जब वहाँ से ट्रैफिक होता है तो सुबह के वक्त इधर की तरफ ज़्यादा होता है, शाम से बीटी से बांद्रा की तरफ ज़्यादा होता है, तो मैं मतलब ट्रैवल करना चाहता था, धक्के नहीं खाना खाता था। और ये जो बात
पहले सोची थी, अब भी वही चलती है कि आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना होता है, आप चढ़ते कब हैं और उतरते कब हैं इसका एहसास आपको नहीं होता है, बट उसके साथ साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। इंसान तो फिर भी पानी मांग सकता है, जानवरों के लिए, पक्षी पशु पक्षियों के लिए पानी रखना अपने घर के बाहर बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, अब आप लोग भी मज़ा लीजिए इस जर्नी का, अब मैं थोड़ी देर सोता हूँ। आई थिंक एवरी डिपार्टमेंट नोज व्हाट दे आर डूइंग, उनको ये सजेशन देना कि आपको क्या करना चाहिए। मैं इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये मेरा योगदान है, और टिकट खरीद के मैंने ऐप इस्तेमाल किया है अनरिजर्व टिकट्स का, वो आप ऐप इस्तेमाल कर लिए, आपको लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी जो हमारे साथ रेलवे विभाग के महिला थी, उन्होंने मेरे सामने इसको मेरा नाम डाला, मैं कितने बजे की ट्रेन जा रहा हूँ, और दो मिनट के अंदर बार कोड को उन्होंने टच किया और मैं आपके सामने ट्रेन में बैठा हूँ। सारे रूल्स फॉलो करते हो, चलो पुल से चढ़ो, पुल से उतरो। ध्यान से ठीक है, लगना भी नहीं चाहिए वाला हमारे साथ, फायदा क्या है। Thank you, sir.